जिले में हाथी का आतंक इन दिनों बढ़ता दिख रहा है। आलम यह है कि हजारीबाग के दारू प्रखंड में दुर्गा पूजा पंडाल के महज 500 मीटर की दूरी में हाथी पहुंच गया। इस दौरान उसने एक घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। घटना के वक्त दुर्गा पूजा मंडप में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। जंगली हाथी को पूरे पूजा पंडाल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पिछले 48 घंटे से हाथी का आतंक हजारीबाग शहर के आसपास के इलाकों में दिख रहा है। 48 घंटे में 5 लोगों की मौत भी हाथी के कुचलने से हुई है, जिसमें 2 की मौत बीते दिन कटकमदाग प्रखंड में हुई है, जबकि 1-1 की मौत डेमोटाड़, बिरखो, टंडा में और खटकमसांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। कहा जा रहा है कि हाथी झुंड से अलग हो गया है। इस दौरान वह तबाही मचा रहा है, कभी एक गाँव में तो कभी दूसरे में वह जंगल के रास्ते पहुँच रहा है। इस दौरान जंगली हाथी दारू प्रखंड के दारू चौक पर पहुंच गया। इस दौरान उसने एक घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी की सूचना मिलते ही इलाके में भगदड़ सी मच गई। पास में ही पूजा पंडाल था, सैकड़ों लोगों ने पूजा पंडाल में ही शरण लेकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि महज 500 मीटर की दूरी पर पूजा पंडाल था और वह सैकड़ों लोग पूजा करने के लिए पहुंचे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर हाथी को भगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन रात का वक्त है और हाथी बहुत ही आक्रामक हो गया है। इस कारण भी एहतियात बरतते हुए पूजा पंडाल से ही लोगों से अपील की जा रही है कि वह इधर उधर न जाएं, जब तक स्थिति सामान्य हो मंदिर परिसर में ही रहे। झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।